हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सिंपली स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे पबजी बैन को लेके। तो जैसा कि आपको पता है, पबजी 2 महीने पहले इंडिया में बैन हो गया था, बट हम लोग पबजी को खेल पा रहे थे, वो बस प्ले स्टोर से हटा था। पर अभी का सीन क्या है, 30 अक्टूबर के बाद से पबजी का जो सर्वर है इंडिया में वो डाउन हो गया। तो अभी अगर आपको पबजी खेलना है तो आपको वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप वीपीएन से कनेक्ट करके पबजी खेलते हो तो आपकी पिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। आपका पबजी तो खुलेगा बट आप पबजी खेल नहीं पाओगे। तो अभी अगर आपको पबजी का ग्लोबल वर्जन खेलना है बिना वीपीएन के, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को आपको ओपन करना है एंड वहाँ से जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये जिप फाइल अराउंड 700 MB की है। तो जब आपका ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इन केस अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये वाला फाइल एक्सट्रैक्ट करना कैसे है। तो अभी आपको उस फाइल पे जाना है जो आपने अभी डाउनलोड करा था, एंड सिंपली उस पर टैप कर देना है। आपके सामने एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके आपको इस फाइल को कर लेना है एक्सट्रैक्ट। तो देख सकते हो फाइल यहाँ पे हो गई एक्सट्रैक्ट। इन केस अगर आपके फ़ोन पे ये वाला ऑप्शन नहीं आता है तो विनजिप एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, एंड देन इंटरनल स्टोरेज पे आपको क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पे भी फाइल पे लोकेट करना है जहाँ पे आपने उस वाले फाइल को डाउनलोड करके रखा है। एंड सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आपको अनजिप के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है, और फिर इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अनजिप हेयर पे क्लिक कर देना है। आपकी जो APK है वो अनजिप हो चुकी है। अब आपको अपने फाइल मैनेजर में आ जाना है। यहाँ पे आपको पबजी का APK दिख जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो एज़ यूजल जो पबजी में 14 फाइल्स का अपडेट लेता है वो आपको अपडेट कर लेना है, और उसके बाद फिर आप पबजी ग्लोबल वर्जन में बिना VPN के खेल सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको भी सर्वर प्रॉब्लम आ रही है।